वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मैं चला था 9 बजे, आधे घंटे में पहुंच गया मैं इधर। क्लच प्लेट चेक कर ली, क्लच प्लेट में तो कोई इशू नहीं था। सो ये है ओल्ड कोइल और ये है नई वाली मैग्नेटिक कोइल। ये है अपनी पिकअप कोइल। कल ना राइड के आने के बाद ये बॉक्स निकाला नहीं था, इसको निकाल देते हैं। चलो आज मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर जाने का मेन कारण यही है, मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। ये वाला ये दो कोइल हैं इधर, एक मैग्नेटिक कोइल है और एक छोटे वाली कोइल एक और है। इनसे जो है वो ऑयल लीक हो रहा है। बस आज का मेन मुद्दा है इनको फिक्स करवाना है, शायद ये चेंज होंगी दोनों कोइल। उसके लिए मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, साथ में करवाऊँगा क्लच केबल चेंज। सो भाई निकलते हैं अभी, ऑलरेडी मैं लेट हो गया, 9 बज चुके हैं। सर्विस सेंटर 8:30 बजे के आसपास खुल ही जाता है, काम ऐसे करना वो स्टार्ट करते हैं 9:30 के आसपास ही। चलो नंबर लग जाता ना पहले जाएं तो। सुंदर नज़ारे पहाड़ों के हर जगह देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। आज धूप है, ठीक ही है, धूप होनी चाहिए वैसे, बहुत हो गई बारिश है। ये खड्डे कब भरेंगे नहीं पता, ये पिछले 1 साल से देख ही रहा हूँ इन खड्डों को मैं। एकदम से कार आई, मैं भी जल्दी में हूँ और कार वाला भी जल्दी में। वैसे हॉर्न दे रहा था मैं ना, भवाना यहाँ से है 1.5 किलोमीटर, तो बस भवाना के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाईवे में मिल जाऊँगा ना वापस जाके मैं। ये है पुलिस थाना भवाना, पुलिस वाले तो कभी दिखे नहीं मुझे थाने के आसपास कभी, सभी अंदर ही रहते हैं मुझे लग रहा है, बाहर निकलते नहीं है कोई भी। ओहो बस ये तो हमारे घर से आई थी, अभी इधर ही पहुंची है क्या। पहाड़ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं इधर से, पर बर्फ नहीं है पहाड़ों के ऊपर ना, बरसात के मौसम में नहीं रहती है। ये गर्मियों में भी इस बार काफी बर्फ थी इन पहाड़ों पे, बादल हैं हल्के फुल्के वो तो रहेंगे ही। बारिश हुई है क्या अपनी साइड, तो छींटे पड़ रहे थे बस, बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा है कोई पानी के छींटे दे रहा है। कल शाम से ऐसा हो रहा था, बारिश नहीं हुई है अपनी साइड। मैं चला था 9 बजे, आधे घंटे में पहुंच गया मैं इधर। भाई नमस्कार, ठीक ठाक है भाई। अच्छा भाई लिख लेने नंबर ना, मैं कल अजय भाई ने गल की थी ना, भाई बोल रहे थे कि आ जाना आज। सो गाइस अपनी बाइक सर्विस बे पे जा चुकी है और अभी देखेंगे क्या होता है आज। करेंगे भाई सबसे पहले क्लच वायर अपनी चेंज। सो भाई क्लच वायर चेंज करने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा क्लच प्लेट भी खोल के एक बार चेक कर लेते हैं, रिसेंटली डाली हैं पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो मेन रीज़न है हीट और पावर का जो आउटपुट है ना वो कम लग रही है, उसके लिए हम क्लच प्लेट जो है वो अभी खोल के चेक करेंगे एक बार। अभी देखते हैं भाई क्या कंडीशन है अपनी क्लच प्लेट की। 1000 किलोमीटर नहीं चलाई होगी चेंज करने के बाद, 1000 मुश्किल से होगा कंप्लीट, पता नहीं। मैं तो सर्विस सेंटर में ना इतनी बार आता रहता हूँ भाई वगैरह सोचते होंगे कि इधर ही रहता है तो। 10:54 भाई, 9:30 इधर पहुँचा था मैं, 9:30 10:30, डेढ़ घंटा होने वाला है और अभी तक भी ना बाइक खड़े करे हुए, अभी तक ये हाथ में पकड़ने लायक नहीं है, गर्म है पूरे स्प्रिंग जो है घर में, प्लेट्स भी घर में। भाई देखना हाथ में जलाना, भाई हमने क्लच प्लेट निकाल दी है, देखो भाई क्या स्टेटस है। क्लच प्लेट चेक कर ली, क्लच प्लेट में तो कोई इशू नहीं था तो वापस लगा रहे हैं भाई। उसके बाद कोइल वगैरह चेंज कर देंगे ना उस साइड है ना, उसके बाद ही लेंगे राइड है ना।
तो ये है ओल्ड कोइल और ये है नई वाली मैग्नेटिक कोइल, और इसके नीचे जो है वो ये है अपनी पिकअप कोइल। तो भाई हम अभी ये डालने वाले हैं, फ्यूल सिस्टम क्लीनर है बजाज का ये प्रोडक्ट, इससे ना इसका इंजेक्टर वगैरह जो है सब क्लीन हो जाएंगे। तो हम डालेंगे इसको टैंक में भी, ये डलेगा 10 लीटर में 40 ml डालना है, 40 ml की पूरी है ना सीसी, तो डालते हैं चलो। तो ये है फ्यूल सिस्टम क्लीनर, अभी मैं इसको चलाऊँगा 2-4 दिन, देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। चलो भाई निकल चुके हैं सर्विस सेंटर में पूरा दिन लगाने के बाद में। मुझे शॉर्टकट पड़ जाता है इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसी रास्ते से आना जाना। ये देखो मकान, जो मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ के मकान बड़े सुंदर सुंदर हैं, ये देखो। शाम के टाइम ना मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, शांत वातावरण है इधर का। ये देखो सामने बादल, स्काई कितना मस्त लग रहा है, हल्के हल्के से बादल हैं। चलो जी जनता खेल रही है स्कूल में, वॉलीबॉल गेम चलती है इधर, स्कूल है अपना है, यहीं पढ़ के निकले हैं हम। चलो गाइज आई होप आप सभी को आज वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज, राइड सेफ, स्टे सेफ।